नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल 6.8, दैट इज अ 50 kg मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 seconds. फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 cm हाई. इसमें क्या कह रहे हैं, मैन का मास है 50 kg, ठीक है, उसने 25 स्टेप्स अप मूव किए, यानी कि स्टेयर्स हैं वहाँ से 25 स्टेप्स अप मूव किए 20 seconds में. और वो कह रहे हैं आप पावर फाइंड आउट करें अगर हर स्टेप यानी कि स्टेयर का या उसका हर स्टेप 16 cm हाई है. अगर उसका हर स्टेप जो हर स्टेप ले रहा है स्टेयर्स पे वो 16 मीटर हाई है तो पावर क्या होगी. मैथ आपको पता है 50 kg है, टाइम 20 सेकेंड्स में उसने वो जितने भी 25 स्टेप्स लिए वो 20 सेकेंड्स में लिए, और हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल हाइट 25 स्टेप्स इनटू हाइट 16 सेंटीमीटर, जो हर स्टेप की हाइट थी वो 16 थी, और लिए कितने 25 स्टेप्स लिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को, तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी जो कि 400 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे और उसके लिए हम 400 को डिवाइड करेंगे 100 से और आपके पास 4 मीटर में आंसर आ जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा. अब फाइंड आउट क्या करनी है हमें, पावर. पावर का फॉर्मूला है W/T. यहाँ पे हम लेंगे W=mgh/T. हमने प्रीवियस 2 न्यूमेरिकल्स किए जिसमें W=F.S लिया, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब आप देखें जहाँ भी आपके पास न्यूमेरिकल में फोर्स की बात होगी तो आप यूज़ करेंगे F.S, जबकि जिन न्यूमेरिकल्स में आपके पास वेट या मास की बात होगी तो वहाँ पर आप लेंगे W की जगह mgh लेंगे. mgh/T मास आपके पास गिवन है 50 kg, ग्रेविटी 10 है, आपके पास कांस्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू याद करनी होगी. h आपके पास क्या है, 4 मीटर एंड टाइम इज़ 20 सेकेंड्स. इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 100 वाट का. नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है न्यूमेरिकल 6.9, दैट इज़ कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड. अब इसमें पंप क्या है, दैट इज़ लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर, और किस हाइट से लिफ्ट कर रहा है, 6 मीटर की हाइट से, एंड द टाइम इज़ 10 सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड द पावर. सो व्हाट टू डू, वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला ऑफ पावर, पी इज़ इक्वल्स टू W/T, और इसमें भी मास की बात हुई इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे जो वो डब्ल्यू की जगह वो mgh यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाई टाइम. मास भी आपके पास गिवन है 200, हाइट भी आपके पास गिवन है, ग्रेविटी आपके पास कांस्टेंट है, टाइम भी आपके पास गिवन है 10. अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और 1200 वॉट आपके पास आंसर आ जाएगा.